हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले सीएसएस की एक और प्रॉपर्टी जिसका नाम है फ्लोट प्रॉपर्टी। तो गाइस, फ्लोट प्रॉपर्टी क्यों काम आती है, किस लिए यूज़ होती है वगैरह वगैरह, तो ये सब आज सीखने वाले हम इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, उसका नाम देते हैं। जैसे नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, तो मैं देता हूँ फाइल का नाम float.html। उसको हम डेस्कटॉप पर सेव करते हैं। अब हम बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं HTML का। तो ये हो गया HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। टाइटल में हम लिखते हैं लर्निंग CSS। तो चलिए कंट्रोल S से हम इसको सेव करते हैं। तो गाइज, अब इसमें CSS की फाइल भी अटैच होना चाहिए। इसके लिए हम एक्सटर्नल पेज बनाते हैं CSS का, जिसका हम नाम देते हैं float.css एक्सटेंशन से। उसको भी हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। तो चलिए अब हम HTML के फाइल में एक्सटर्नल CSS को लिंक करते हैं लिंक टैग की मदद से। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे लिंक, उसके बाद हम फर्स्ट एट्रीब्यूट लेंगे रिलेशन, स्टाइल शीट, टाइप में हम देंगे टेक्स्ट CSS, और एक हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है href, जिसमें हम लोकेशन देंगे हमारे एक्सटर्नल CSS के पेज का float.css का। तो चलिए हम यहाँ से उसको चूज़ करते, हमने उसको सिलेक्ट किया यहाँ से। अब उसके URL को हम कॉपी करते, कॉपी करके हम उसको href में यहाँ पे पेस्ट करते हैं। कंट्रोल से हमने इसको सेव किया। अब क्या हुआ, अब ये दोनों फाइल लिंक हो चुकी है। तो गाइज, अब स्टार्ट करते हैं कोडिंग। ओके, सबसे पहले मैं आपको फ्लोट के बारे में बताना चाहता हूँ कि फ्लोट प्रॉपर्टी बेसिकली होती क्या है। तो फ्लोट प्रॉपर्टी जहाँ पर भी यूज़ होती है, उसकी मदद से हम हमारे एलिमेंट को या तो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो राइट साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो अपने एलिमेंट को शिफ्ट कर सकते हैं राइट में फ्लोट की मदद से। ओके, फ्लोट की सिर्फ टू वैल्यूज़ है, एक लेफ़्ट और एक राइट है, और नन जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अब प्रैक्टिकल करते वक्त आपको ज़्यादा समझ में आएगा फ्लोट के बारे में। और बेसिकली आप ये दिमाग में रखिए कि हम फ्लोट के मदद से किसी भी एलिमेंट को लेफ़्ट या राइट में लेके जा सकते हैं। ओके, तो चलिए अब क्या करते हैं, हम अब यहाँ पे बॉडी के अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं, ताकि हमें CSS भी देना है, और CSS अप्लाई करने के लिए हमें बॉडी टैग के अंदर कुछ डेटा भी देना ज़रूरी होता है। तो चलिए गाइज, हम यहाँ पे एक डिव टैग यूज़ करते हैं, डिविजन टैग। उसके अंदर हम सेलेक्टर देते क्लास, जिसका नाम देते हम बॉक्स, और हम डिव में मैसेज देते हेलो। ओके, तो चलिए हम इस पर कुछ CSS अप्लाई करते हैं। इससे पहले हम इसको सेव करते हैं, और सेव करके इसके फाइल को ओपन करते हैं जो हमने सेव किए float.html के नाम से। तो हम यहाँ से उस फाइल को ओपन करते हैं float.html को। देखो गाइस, यहाँ पे हेलो मैसेज शो हो रहा है डिव टैग के अंदर, लेकिन अब तक हमने डिव को कोई CSS अप्लाई नहीं किए। तो हम यहाँ से CSS अप्लाई करते हैं, सिलेक्टर नेम डॉट बॉक्स कर्ली ब्रेसेस, फर्स्ट प्रॉपर्टी देते हैं हम यहाँ पे बॉर्डर, बॉर्डर में देते हैं हम वैल्यू 2px सॉलिड। उसके बाद हम सेकेंड प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं पैडिंग, हमने यहाँ पे टाइप किया पैडिंग, पैडिंग में हम देते 20px ताकि हमारा टेक्स्ट अच्छे से नज़र आए। उसके बाद हम प्रॉपर्टी देते यहाँ पे ड्यू की वेट, वेट सेट करते हम यहाँ पे 300px। तो चलिए अब हम इसको सेव करते, सेव करके रिफ्रेश करते। तो देखो गाइज, यहाँ पे हमारा हेलो मैसेज एक ड्यू टैग के अंदर आ गया। तो गाइज चलिए अब हम इस ड्यू टैग के ऊपर फ्लोट प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते। तो हम यहाँ पे बॉक्स के अंदर लगाते हैं प्रॉपर्टी फ्लोट। तो गाइज, फ्लोट की दो ही वैल्यूज़ होती है, एक होती है लेफ्ट, एक होती है राइट, नन जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की वैल्यू लगाते हैं लेफ्ट। बेसिकली कुछ चेंजेस नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि गाइज जो एलिमेंट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट से शुरू होते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस नज़र नहीं आए। तो गाइज हम क्या करते हैं, अब फ्लोट प्रॉपर्टी में हम वैल्यू लगाते हैं राइट। तो ये जो हमारा डिव है वो राइट साइड में किस तरह आता है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं वैल्यू राइट, सेव करके हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखो गाइज, हमारा जो डिव था वो राइट साइड में आ गया। तो गाइज, ये थे बेसिक फंक्शंस ऑफ फ्लोट प्रॉपर्टी। अब हम क्या करते हैं, मल्टीपल ड्यू टैग पर फ्लोट प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो हम यहाँ पे HTML फाइल में हम इस ड्यू को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो गाइज, हमने यहाँ पे 6 ड्यू लिए। तो चलिए अब हम इसको सेव करते, सेव करके रिफ्रेश करते। तो गाइज देखो, यहाँ पे हमारे ड्यू के बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। ये जो बॉक्सेस है वो राइट साइड से स्टार्ट हुए, क्योंकि हमने फ्लोट की प्रॉपर्टी क्या दी है, राइट साइड। अब हमको और समझ में आए इसके लिए हम क्या करेंगे, इन बॉक्सेस को यहाँ पे नंबरिंग करेंगे हम। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे लगाते हैं HTML फाइल में हेलो 1, हम यहाँ पे लगाते हैं हेलो 2, हेलो 3, हेलो 4, हेलो 5 एंड हेलो 6। तो चलिए अब हम CSS के फाइल में एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं मार्जिन, ताकि हमारे हर डिव के अंदर कुछ स्पेस नज़र आए। तो हम 10px यहाँ लगाते, सेव करके रिफ्रेश करते। तो गाइस देखो, पहले हमारा यहाँ पे डिव हेलो 1 आया, फिर हेलो 2 आया, फिर हेलो 3 आया, फिर हेलो 4 आया, फिर हेलो 5 आया, फिर हेलो 6 आया। तो गाइस ये होती है फ्लोट की प्रॉपर्टी।
मतलब कि गाइस आप जब किसी को फ्लोट देंगे, मतलब सोचो आपने इस बॉक्स को फ्लोट दिया कि फ्लोट फ्रॉम राइट, तो इस बॉक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो स्टार्ट कहाँ से होंगे? फ्रॉम राइट साइड। ओके देखो, तभी यहाँ पे आया हेलो वन। अब अगर गाइस बॉक्स से हमने फ्लोट प्रॉपर्टी को निकाल कर सेव किया तो गाइस अब क्या होगा? अब ये जो हमारे ड्यू है वो वन बाय वन एक के नीचे एक आ जाएगा। ओके तो चलिए अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करके हमने इसको रिफ्रेश किया तो गाइस देखो यहाँ पे ड्यू वन, उसके नीचे ड्यू टू, उसके नीचे ड्यू थ्री, ड्यू फोर, ड्यू फाइव, ड्यू सिक्स। ओके तो ये जो है वो बाई डिफॉल्ट सिक्वेंस है। अब गाइस बाई यूजिंग फ्लोट हम राइट की जगह यहाँ पे लेफ्ट लिख देते हैं। चलिए अब हम इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो गाइस देखो यहाँ पे लेफ्ट से ड्यू वन, ड्यू टू, ड्यू थ्री, ड्यू फोर, ड्यू फाइव, ड्यू सिक्स। ओके मतलब कि आप फ्लोट के मदद से अपने एलिमेंट को ये बताते हैं कि तूने लेफ्ट से या राइट से कहाँ से स्टार्ट होना है, और उसके बाद जितने भी एलिमेंट है वो तेरे पीछे से स्टार्ट होंगे। इसीलिए गाइस हेलो वन के बाद हेलो टू आया, हेलो थ्री आया, हेलो फोर आया। ओके इस तरह से ये चीज़ काम करती है। ओके तो ये था हमारे पास फ्लोट। एक और चीज़ मैं इसके अंदर आपको बताना चाहता हूँ गाइस, अगर मैं यहाँ पे मार्जिन की वैल्यू करता हूँ 30px, तो चलिए अब हम इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाइस जो हेलो फोर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? नीचे से स्टार्ट हो रहा है। ओके तो गाइस जब इसकी वैल्यू 10 थी तो हेलो फोर ऊपर था, ऐसा क्यों था? इसका सिंपल सा रीज़न है, मैं फिर से यहाँ पे वैल्यू 30 करता हूँ मार्जिन की। चलिए अब हम इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो गाइस देखो ये इसको यहाँ पे स्पेस ना होने की वजह से वो नीचे से स्टार्ट हो रहा है। ओके तो ऊपर इतनी स्पेस ना मिलने की वजह से हेलो फोर का कंटेनर जो है वो नीचे से स्टार्ट हुआ। ओके बाकी इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो गाइस अगर मैं मार्जिन की वैल्यू 10 करता हूँ और सेव करके इसे रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस यहाँ पे क्या होगा? जो कंटेनर है यहाँ से 20 भी हमने 30 पिक्सल्स मार्जिन रखे थे वो 20 माइनस हो जाएगी और यहाँ स्पेस बनेगा और हमारा जो फोर्थ कंटेनर है हेलो फोर का वो ऊपर आ जाएगा। ओके ये जो कंटेनर है वो यहाँ सेट होगा तो चलिए हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो गाइस देखो जैसे हमने रिफ्रेश किया हमारा हेलो फोर ये ऊपर आया। अब गाइस आप इस प्रॉपर्टी की मदद से क्या बना सकते हो? गाइस आप एक इमेज की बेहतरीन गैलरी बना सकते हो इस कोड की मदद से। बहुत ही इजी है गाइस, यही कोड यूज़ करके आप यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे इमेज लगा सकते हो। अगर आप सब इमेज को ज्वाइन करना है यानी ये जो बीच का जो स्पेस है उसको हटाना है तो आप मार्जिन प्रॉपर्टी को वहाँ से हटा सकते हो CSS से। हम यहाँ से मार्जिन की प्रॉपर्टी को यहाँ से हटाते और इसको सेव करके रिफ्रेश करते तो देखिए गाइज यहाँ से सारी मार्जिन चली गई तो हम अपने इमेज को ज्वाइन भी कर सकते हैं और एक बेहतरीन गैलरी बना सकते हैं। लेकिन गाइज एक बात याद रखिए कि जब आप इमेज को यूज़ करेंगे इस प्रॉपर्टी में तो हमें इमेज की सबसे पहले हाइट एंड विड्थ सेट करना पड़ेगा कि हमें कितने हाइट एंड विड्थ के इमेज सेट करना है अपने गैलरी में। ओके तो गाइज आई होप कि आपको लेफ्ट और राइट के वैल्यूज में समझ आई होगी कि अगर हम राइट रखते हैं तो हमारे सारे एलिमेंट ये राइट साइड से स्टार्ट होंगे। तो देखो यहाँ पे हेलो वन, हेलो टू ये राइट साइड से स्टार्ट हुए। तो ये थी प्रॉपर्टी फ्लोट प्रॉपर्टी। ओके आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो गाइज अगर आपके HTML के और CSS के टाइप के कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में उसके कमेंट कर सकते हैं। ओके तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।